और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। एक कयास और लगते नजर आए, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में और भी बड़े बवाल मचते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ बड़े बड़े पार्टियों के या फिर कह लीजिए कि छोटे छोटे दलों के गठबंधन होते नजर आ सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखा जाए कि नगर निकाय के चुनाव भी है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है, हर एक पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी है। यहाँ पर ओपी राजभर, जिनको हमेशा कहीं ना कहीं वहां की ही जनता थाली का बैंगन कहकर पुकारती है, वही ओपी राजभर अब किसी और के साथ जा सकते हैं। ये सवाल क्यों उठा? देखा जाए सबसे पहले सपा की तरफ, वहां पर अब शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी दे दी, अब यहाँ पर उन्हें विधानसभा में आगे की सीट भी दे दी, और दूसरी बात आजम की जो सीट थी वो कोई और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठता नजर आएगा। तो ये बात तो रही सपा की। बात आई बसपा की, तो बसपा में यहाँ पर छोटे छोटे जो यहाँ पर समुदाय है उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश बहन जी मायावती करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा यहाँ पर कि जितनी भी सीटें हैं सारी सीटों पर प्रत्याशी को उतारेगी और यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से चुनाव भी जीतेगी। अगर भाई बात दूसरी तरफ की जाए तो यहाँ पर और भी छोटे दल है, जिसमें पल्लवी पटेल का अपना दल आ जाता है, जिसमें यहाँ पर राजा भैया का दल आ जाता है, और भी ऐसे छोटे छोटे दल है जो लगातार यहाँ पर कभी कभी बीच में सुर्खियों में आते हैं और दिखाते हैं कि हाँ हम भी कुछ उत्तर प्रदेश में है और हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात ओपी राजभर की फिर से की जाए तो ओपी राजभर की बातों से लगातार ये लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो बीजेपी पे ही सवाल खड़े कर देते हैं। वो समय सबको याद होगा जब बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, बीजेपी जीती, साथ छोड़ दिया। जब सपा के साथ गठबंधन किया, सपा जीती, सपा का साथ छोड़ दिया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोग यकीन नहीं कर पाते ओपी राजभर पे। अब कहा जा रहा है कि अगर ओपी राजभर मायावती के साथ आते हैं, क्योंकि ओपी राजभर का भी यही कहना है कि यहाँ पर दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ाना है और मुस्लिम्स को भी आगे बढ़ाना है, और वही सारी चीजें मायावती भी दोहराती हुई नजर आए, तो वहां पे कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है जो लगातार इंटरव्यू सामने आते हैं आम जनता के, यहाँ पर अगर ओपी राजभर और मायावती साथ में आते हैं तो ज्यादा बेहतर है। वो यहाँ पर एक दूसरे का साथ देंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टियां उनको एक बड़ा झटका लग सकता है अगर नगर निकाय चुनावों को देखे तो। यहाँ पर इसलिए कहा गया कि मायावती और यहाँ पर ओपी राजभर की फोन पर बातचीत भी होती थी, ओपी राजभर ने बात खुद कही थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए इन लोगों को साथ में आ जाना चाहिए या फिर इसी तरीके से अलग अलग तितर बितर होकर ही घूमते रहना चाहिए? उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।